नर्मदा में लगातार हो रहे रेत अवैध उत्खनन को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि अवैध उत्खनन करने वालों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा और अवैध रेत परिवहन में लगे ओवरलोड डंपरों को जब्त कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गाड़ी मालिक और अवैध खनन की सूचना को अनदेखा करने और छिपाने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल अवैध खनन की शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन को निर्देशित करने के साथ ही कार्रवाई का ब्यौरा भी ले रहे हैं। सिवनी मालवा और नर्मदा बेल्ट में अवैध खनन की जानकारी मिलते ही कमल पटेल ने प्रशासन के अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मशीन जब्त करने के निर्देश दिए। कमल पटेल ने बताया कि जबलपुर जिले की तहसील शहपुरा में बेलखेड़ी घाट पर अवैध रेत खनन की खबर मिली थी, लेकिन मौके पर गए अमले ने बताया कि वहां कुछ नहीं मिला। जब उन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए तब वहां से मशीन जब्त की गई। उन्होंने कहा, नर्मदा हमारी आस्था का केंद्र है, इसमें अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे तत्वों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया जाएगा। कमल पटेल ने कहा कि डंपरों को पकड़कर ड्राइवर पर कार्रवाई की जाती है जबकि वह तो नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने डंपर मालिक पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं जिससे ओवरलोड के साथ रेत के अवैध परिवहन पर अंकुश लगा सके। शिवराज सिंह जी ने माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रखा है और जिसके कारण माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कितना बड़ा कोई भी अवैध काम करने वाला होगा, गुंडागर्दी करने वाला होगा, उसको सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और इसलिए मैंने सभी कलेक्टर और SP को और खनिज अधिकारी को निर्देश दिया है, पहले भी दे चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं कि अगर आप नर्मदा जी में कहीं भी पोकलैंड मशीन से, JCB से या पानी के अंदर से रेत निकाली पाई गई तो उसके लिए जिम्मेदार कलेक्टर, SP और खनिज अधिकारी होंगे। और इसलिए संबंधित थाना प्रभारी, तहसीलदार और खनिज अधिकारी को, खनिज इंस्पेक्टर जो होता है, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए कि कहीं भी नर्मदा जी में अवैध खनन ना हो, मशीन ना चले, पनडुब्बी ना चले, पानी में से रेत ना निकाले। और अगर किसी ने निकाली तो जो भी अगर नागरिक है वहां के गांव के, वो हमको वीडियो भेजे, हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी कार्रवाई करने के हमने निर्देश दिए कि सख्त कार्रवाई की जाए और डंपर वाले जो ओवरलोड ले जाते हैं जिसके कारण रोड खराब होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और इसलिए ओवरलोड वालों के खिलाफ भी चोरी का मुकदमा और चोरी का माल छुपाने का मुकदमा 379 और 411 का मुकदमा भी कायम किया जाए और जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।